नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव टीवी न्यूज। खबर बूंदी से है, जहां पर जनता बहुत ही त्रस्त है। यहां बात न नेता की होगी, न अभिनेता की होगी, यहां बात जनता के दुख दर्द की होगी। इसी क्रम में हम आपको लिए चलते हैं वार्ड नंबर 56 और 57 की जनता के बीच, जहां पर दोनों ही सत्ता पक्ष कांग्रेस के पार्षद हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ष गुजर जाने के बाद जनता बहुत तरस है। मिलाते हैं आपको बूंदी की जनता से। ब्राह्मण के तय से राम द्वारा का रोड बनना चाहिए। इधर आम आदमी घूमता है, चलता है, जो कोई गिर जाता है, कोई गाड़ी पड़ जाता है, और आम लोग रोज की स्थिति हो रही है, रोज कोई कुछ घटना हो ही रही है। रोड बनना चाहिए, प्राथमिकता से रोड बनना चाहिए, क्योंकि पुराना रोड यही है, पुराना रोड यही है, सबसे पुराना रोड यही है, मुख्य धाम का जाने रास्ता मेन यही है। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद। क्या समस्या है आपके वार्ड में? समस्या तो यही है कि ये रोड बिल्कुल बेकार हो रहा है, आने जाने में लोगों को परेशानी होती है, कई लोग गिरकर चोटी लो चुके हैं, कई बार मोटरसाइकिलें आमने सामने से टकरा जाती हैं, तो ये रोड बनना चाहिए जल्दी से जल्द। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम राजेश आनंद। क्या समस्या है आपके? समस्या तो यही है कि रोड पर चलने लायक नहीं है, तुरंत इंसान तो क्या, जानवर भी सही ढंग से नहीं चल पाते। अगर ये नहीं बना तो 5 साल के बाद वोट मांग लेंगे, कोई नेता इस रोड पर नहीं आएगा। ये आपसे नहीं बताएं। क्या नाम है आपका? लालचंद। क्या समस्या है आपके? रेत चुमक के बाजार से राम द्वारे तक रोड में कट्टे हो रहे हैं, बिल्कुल दस्त हो रहा है, आने जाने वाले गिरते हैं, बच्चे बच्चे भी कट्टों में गिर जाते हैं, कितनी बार एक्सीडेंट भी हो चुका है यहाँ पे, इसकी तरफया करके इसको बनवाए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहन लाल। अब क्या समस्या है यहाँ पे? रोड फूटा हुआ है पूरा। क्या होती है, दुर्घटना भी होती है क्या? दुर्घटना होती है, रोज एक्सीडेंट होता है। रोड नया बनना चाहिए, नया बनना चाहिए, बिल्कुल नया। कागदी देवरा वार्ड नंबर 56 और 57 के बीच का रोड ब्राह्मणों की अताई से राम द्वारा तक जगह जगह से टूटा हुआ है। पता ही नहीं चलता कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है, जिससे यहां से गुजरने वाले आम जन इन गड्ढों में गिरकर कई बार चोटिल हो चुके हैं। इन दोनों ही वार्डों में कांग्रेस के पार्षद हैं, नगर परिषद में भी कांग्रेस की ही सभापति विराजमान है। उसके बावजूद नगर परिषद की नई सरकार को एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कागदी देवरा के इस मेन रोड पर एक रुपए का भी काम नहीं होने से यहां रहने वाले आम जन में भारी रोष देखने को मिल रहा है। अगर जल्द ही इस रोड का निर्माण नहीं हुआ तो यहां की जनता जाम लगाकर उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगी। देवरा चौराया जो कई वर्षों से खुदा हुआ है, जगह से टूट रहा है, इसका निर्माण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, इससे तो परेशान होंगे आप भी। और क्या? कितना टाइम हो गया इसको खुदे हुए? अभी बूंदी में नगर परिषद में सरकार बने 1 साल हुए, अभी तक कोई काम हुआ गया चौराहे पे? कुछ भी नहीं हुआ ना। हाँ, क्या नाम है आपका? कुदरत अली और पप्पू। ये कागदी देवरा पूरा खुदा हुआ है चौराहा है, जो वार्ड नंबर 56 और 57 का मेन मुख्य चौराहा है, जो मोहल्ले के सभी माता और बहन या सामान लेने आते हैं, यहीं बैठते हैं, यहाँ चर्चा करते हैं। तो यहाँ कोई काम होना चाहिए, निर्माण खुदा हुआ पड़ा रहना चाहिए, पूरा निर्माण होना चाहिए। 15 साल हो गए यहाँ दुख देखते हुए, लोग उठ उठ के पड़ते हैं, गाड़े वाले पड़ते हैं, चोटिल होते हैं, बाकी फिर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है। तो 1 साल हो गया अभी नई सरकार बनी नगर परिषद में, अभी तो कोई 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ? तो नहीं हुआ, ये पूरा रोड खुदा हुआ है। डेढ़ माह से अपने लालचंद जी के मकान से लेकर डेढ़ चंपा बाग राम द्वारा तक खुदा पड़ा हुआ है। काम जल्दी होना चाहिए, इसका काम जल्दी होना चाहिए। इनसे उम्मीद है कि आपको जो नगर परिषद सभापति बैठी उससे? सभापति महोदय से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस काम को करवाया जाए, वरना आंदोलन करवाया जाएगा। दोबारा वोट मांगने आगे दोगे इनको? नहीं, काम वोट नहीं दिए जाएंगे। क्या नाम है? दिनेश कुमार। क्या समस्या है? समस्या ये रोड बनना चाहिए, और कई सालों से रोड खुदा हुआ है, और यहाँ स्कूल के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो गया उनका, कई बार गिर गए खड्डे में, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पेट फ्रैक्चर हो गया, बहुत सालों से पड़ा हुआ है, हमारा रोड बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? पप्पू भाई। क्या समस्या है यहाँ पे कागदूरा में? पूरा रोड खुदा हुआ है, 2-3 साल हो गए, ना तो इसका काम होता है ना कुछ होता है,
और ये बहुत बुरी तरह से हालत खराब है। यहाँ पर आने जाने वाले हर आदमी परेशान है। स्कूल के बच्चे भी सही ढंग से नहीं चल सकते। यहाँ स्कूल के बच्चे आते हैं जाते हैं जो गिर जाते हैं। और सभी समस्याएं हैं यहाँ पर। नगर पर आने जाने वाले नगर पालिका के आदमी आते हैं वो भी झाड़ू बराबर नहीं काट पाते हैं। और हर आदमी की समस्या है यहाँ पर। नगर परिषद में सरकार बने एक साल हो चुके हैं, उसके बाद अभी तक यहाँ एक रुपए का भी काम नहीं हुआ। दोबारा अगर वोट मांगने आएंगे तो आप वोट दोगे इनको? नहीं देंगे। काम कराना होगा ना? हाँ, काम कराना पड़ेगा, जब भी वोट देंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहन लाल। क्या समस्या है? समस्या है रोड का, रोड कुदर पड़ी है। कहाँ से कहाँ तक खुदा हुआ है? फिर राम द्वारा पे। अच्छा, यहाँ कोई घटना दुर्घटना भी होती रहती पड़ी है? मुझे पड़ी है। युवा पंगोरी वोट मांगने आए थे, जब तो कहा था ना आपसे कि वोट वोट बनाएंगे। रोड अब वोट मांगवा होगा तो कहीं देगा वोट? भाई सर उस तुम पकड़ो सर, वो नाले का ना बावड़ा कितनी लेडीज रे सब पड़ रही थी।